जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मौसमी देशभक्त काफी दिन पहले से ही एक्टिव हो चुके हैं और वो अपने सोशल मीडिया पे स्टेटस को अपडेट कर चुके हैं, अपने डीपी को भी बदल चुके हैं। लेकिन दोस्तों, मेरा कुछ सवाल है जिसके जवाब मुझे चाहिए कि असली देशभक्ति क्या है। जब हम 15 अगस्त और 26 जनवरी को राष्ट्रीय ध्वज को खरीदते हैं, लेकिन उसी दिन शाम को या फिर अगले दिन सुबह में हमें वो झंडा किसी रोड के किनारे फटा हुआ मिलता है या किसी कचरे के डब्बे में मिलता है, क्या यही असली देशभक्ति है? सरकारी नौकरी के लिए इतनी मारामारी इसलिए होती है कि हमें लगता है वहाँ पे जाके काम कम करना पड़ेगा, क्या ये असली देशभक्ति है? रेलवे के टिकट काउंटर पे जब काफ़ी भीड़ होती है तो हम हमेशा चाहते हैं कि आगे से सेटिंग करके कोई टिकट निकाल लिया जाए, क्या ये असली देशभक्ति है? जब ट्रैफिक पुलिस नहीं होता है तो हम चाहते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ के आगे निकल लिया जाए, क्या ये असली देशभक्ति है? हम KFC और मैकडी में तो बहुत ही आसानी से 200-400 रुपए का बिल बनवा लेते हैं, लेकिन जब हम सब्जी खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं तो बेशर्मी के साथ 1 रुपए का फ्री हरी मिर्च मांगने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सिर्फ एग्रेसिव मैसेज को फॉरवर्ड करने से ही हम देशभक्त नहीं बनेंगे, बल्कि हमें जो भी काम मिला हुआ है हम उसे यदि पूरी ईमानदारी के साथ करें और हम किसी को परेशान ना करें तो हमारा देश जरूर ही आगे बढ़ेगा और हम असली देशभक्त तब कहलाएंगे। जय हिंद, जय भारत।